एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय वंडर बॉक्स। गार्गीज किचन में आपका फिर से स्वागत है और आज मैं वापस से एक समर स्पेशल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। गर्मियों का टाइम है और आइसक्रीम्स और कुल्फी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हर किसी को क्रेविंग होती है, मुझे भी हो रही थी। सो हमने सोचा कुल्फी खाने का इतना ज़्यादा मन हो रहा है तो हम घर पर ही बना लेते हैं। सो जस्ट 10 मिनट्स बैक वी डिसाइडेड कि हम कुल्फी बनाने वाले हैं, तो क्यों ना हम ये हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो कुल्फी बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत रहेगी वो मैंने लिया है, फुल टोन्ड मिल्क लिया है अमूल का। ये पूरा फुल क्रीम मिल्क है, ये ऑलमोस्ट 1 to 1.5 kg रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके अलावा शुगर एंड इलायची पाउडर, और इलायची पाउडर के साथ साथ में मैंने इलायची का जो ये छिलका है मैंने इसको फेंका नहीं है, ये भी मैं उस मिक्सचर में ऐड करने वाली हूँ क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है। सो लेट्स स्टार्ट। आप एक कोई सा भी पैन लीजिए, नॉनस्टिक पैन, एल्युमिनियम का पैन, कोई सा भी पैन लीजिए, उसमें आप अपना दूध ऐड कर दीजिए। दूध आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको फुल क्रीम मिल्क ही यूज़ करना है, आप नॉर्मल मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप रबड़ी कुल्फी बना रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप फुल क्रीम मिल्क यूज़ करें, उससे आपकी जो कुल्फी है जो उसकी जो मलाई आप बनाओगे उसमें एक अलग ही थिकनेस आएगी, रबड़ी और ज़्यादा टेस्टी बनेगी, और जितनी ज़्यादा टेस्टी आपकी रबड़ी बनेगी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी आपकी कुल्फी बनेगी। सो देखते हैं हम इसमें क्या करने वाले हैं। मैंने मेरे पैन में दूध को निकाल लिया है, फ्लेम मेरा हाई पे है और इसको मुझे कंटिन्यू बीच में चलाते रहना है, फिलहाल नहीं क्योंकि जस्ट अभी मैंने दूध ऐड करा है, तो जब तक इसमें एक उबाल नहीं आता इसको गर्म होने देते हैं। जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा उसके बाद मुझे इसे कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक ये 1/3 क्वांटिटी पे नहीं आ जाता। ऑलमोस्ट 15-20 मिनट से ज़्यादा हो चुका है मुझे इसको दूध को चढ़ाए हुए, इसमें एक आप देख सकते हो मलाई जमने लग गई है, तो जैसे जैसे मलाई आ रही है अब हमें इसको कंटिन्यू हिलाते रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ दूध नीचे लग जाएगा और हमारी कुल्फी का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। सो अभी से लेकर के इसके पूरे बनने तक हमें दूध को कंटिन्यू हिलाते रहना है। तो मेरा दूध जो है वो आधे से भी ज़्यादा कम हो चुका है, तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे मैं चीनी ऐड करूँगी। ऑलमोस्ट मैंने 1 किलो दूध लिया है तो उस हिसाब से मैं एक छोटा बाउल के जितना चीनी ले रही हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा मीठा भी ना हो और ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल फीका फीका सा रह जाए। सो इस चीनी को अब इसमें अच्छे से मेल्ट कर देंगे और वापस से दूध को कंटिन्यू चलाते रहेंगे। आप देख सकते हो कढ़ाई के चारों तरफ जो है ये मलाई चिपक रही है, दानेदार सा दिख रहा होगा आपको, तो जब आप रबड़ी कुल्फी खाते हो और जो दानेदार सा आपको टेस्ट आता है मुंह में वो इसी चीज़ का आता है। और चीनी डालने के साथ ही आप अगर गौर करोगे, अगर ये कैमरा पे प्रॉपर्ली दिख रहा होगा, इसके कलर में थोड़ा सा चेंज आ गया, इसका कलर बहुत ही स्लाइट सा एक गोल्डन येलो कलर आया है, और जितना आप इसको अब गाढ़ा करोगे, जितना अब आप इसको पकाओगे उतना ज़्यादा इसका कलर चेंज हो जाएगा। सो जो आप कुल्फी जब खाते हो, जब आप मार्केट से कुल्फी लेके खाते हो, उस टाइम पे जो कुल्फी होती है वो प्रॉपर वाइट कलर की नहीं होती, एक हल्का गोल्डन ब्राउन कलर होता है, वो इसी चीज़ का होता है। सो चीनी डालने के बाद ऑलमोस्ट 10 मिनट और हो चुके हैं मुझे दूध को पूरा हिलाते हुए, और ये मेरा दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। मेरा जो 1 लीटर दूध मैंने लिया था वो बिल्कुल 1/3 क्वान्टिटी पर आ गया है, और अब इस पर्टिकुलर मोमेंट पर मैं गैस बंद कर दूँगी और जो मेरा इलायची पाउडर था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी along with the छिलका, क्योंकि छिलके में भी बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस होता है जो कि आपकी कुल्फी के टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देगा। इसको इसमें मिक्स कर देते हैं और जो साइड्स में जो ये पूरा मलाई है इसको छुड़ा लेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप ये है कि पहले मुझे कुल्फी के इस मिक्सचर को रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है, जब ये रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसको आइसक्रीम मोल्ड्स में, नॉर्मली कुल्फी मोल्ड्स में डालते हैं लेकिन मेरे पास वो नहीं है तो मैं आइसक्रीम मोल्ड से ही काम चलाने वाली हूँ, और फिर रूम टेम्परेचर में ठंडा करने के बाद इसमें हम डालेंगे और डाल करके इसको ओवरनाइट फ्रीज करेंगे और मॉर्निंग में हमारी कुल्फी रेडी होगी खाने के लिए।
सो आई रियली होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कुल्फी हर किसी को पसंद होती है, आइसक्रीम हर किसी को पसंद होती है, तो ये छोटा सा जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है आप लोगों को ज़रूर से पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर के आते हैं। सो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा कुल्फी मेकिंग रेसिपी को लेकर के। सो इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सेफ रहेंगे, जल्दी ही मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।